ये मेरे हो नानू जी है? और ये मेरी नानी जी। देखो पहले ऐसी थी और अभी देखो और अभी ऐसी हो गई है। तो जी मेरे साथ आरू बैठी हुई है। आरू कैसा लग रहा है? आरू कुछ बोल नहीं रही है। परू की आरू परू परू परू। तो जी फाइनली रात को हम पहुंच गए थे और मैं बता दूं जो पेड़ गिरा था उसके बाद काफ़ी रास्ता ढूंढने के बाद घुमा फिरा के फाइनली इतना थक गया था कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा और सो गए। और अभी सुबह उठे, सुबह उठते इतना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। देखो ज़रा सामने बर्फ़ पड़ी हुई है अगर आपको दिख रही होगी तो। सो मतलब अभी हिमाचल में है मई का टाइम। और चैनल को क्या करो? चैनल क्या करो? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब बोलो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब क्या बोल जब हाथ ना पे तो लाइक होता है। चलो फिर चलते हैं और देखते हैं नाश्ते में क्या बन रहा है। हाँ और ये मैडम आ गई है दीक्षा। तो दीक्षा रात को कैसा रहा एक्सपीरियंस तेरा? साइड पे है? मजा आ गया। पता नहीं कहाँ कहाँ मेरी गाड़ी फंसाई इसने। मेरी तो दो मिनट की डर लग चुका था बट जैसे तैसे करके मिल गया है ना। चैनल को क्या कर दो? लाइक कर दो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब। हां बोलो तो क्या बन रहा खाने में? मूली के पराठे। मेरे फेवरेट। तेरे हम दोनों तो फेवरेट है। आंटी अरे हो ये अंदूर। अंदूर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अदरेप्स। तो ये मैडम दे रही है पानी पौधों को। ऑलरेडी भगवान ने इतना पानी दे दिया बारिश करके पर ये कह रही नहीं मैं भी दूंगी। Oh my God, गर्म हो गया पानी। तो जी फाइनली आ चुकी है धूप। चलो Oh my God, कितना अच्छा लग रहा है यार। ठंडा मौसम। वाह। और मम्मी रात को कैसा लगा? मम्मी तो डर ही गई थी दो मिनट के लिए। और क्या? इतना तूफान, इतनी बारिश। जो पेड़ थे वो गिर गए। इतनी तूफान, इतना तूफान आया। देखो गेहूं कैसे खराब हो गई लोगों के। गेहूं लोग कितनी खराब हो गई। कितने सूख जाएगी दो दिन में धूप आई। कितने परेशान हैं, पता नहीं कब क्या होगा। क्या धूप आ रही है यार। वाओ पराठे दही और अचार और ये धूप में मजे। और आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। क्या बात है मक्खन। आहा चलो एंजॉय करते अपना ब्रेकफास्ट। मैडम तो आ गई नहा के लाल परी बन के। और यहाँ पे देखो मौसम बहुत सुंदर फोटो आई है। सुकून तो है और बारिश थोड़ी तंग कर देती है यार। जो हाँ सही बात है। हम तो दो दिन के लिए आले से मजा आ रहा है हमें यहाँ पे रह रहे हैं। पीछे दिशा जल्दी आ पर अब देख यार अभी बर्फ पड़ी है। बता हम मनाली जा सकते हैं? अभी टाइम नहीं है अपने पास मनाली पर। सब सारी सब कुछ खराब हो गया। प्याज लगाया प्याज भी सड़ गया सारा। ओले पड़े ना ओले ज्यादा खराब कर देते हैं। और ये बेचारा बैठा है छांव में। भगे भगे। तो फाइनली जी दीक्षा के घर से निकल चुके और घर से निकलते सामने व्यू देखिए जरा आप। वाओ
मम्मी का हो रहा है वहाँ पे फोटो सेशन, मम्मी तक मम्मी का सेट ही नहीं हो रहा है। हो गया, हो गया, अच्छा। चलो तो जी हो गया हमारा फोटो शूट और निकलते हैं अब सीधा नानी के घर। चलो ये था वो पेड़ जो रात को गिरा था और अभी तक मतलब कटाई हो गई कर दिया। तो इस रास्ते की वजह से सोचो हमें रात को जंगल जाना पड़ा था, तो जिसके कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पाए, इतना मैं डर गया था। डर गया था राहुल, इतना खुश हो गया, बोले एडवेंचर हो गया, एडवेंचर हो रहा था। और मैं पूरे बारिश में गीली हुई और मम्मी कितने गुस्से हो रहे थे, कितने गुस्से हो, मम्मी इतना गुस्सा रहे, कहां हम आ रहे हैं, इसे तो ले लेना कोई भी जिसका पत्ता साफ हो, दो ही दाने, हां ही है दो ही है, ये कलर वाले ले, देखो ये रंग बिरंगे हैं, इसने यहां देखिए देखिए ये वाला जी रंग बिरंगे अच्छे लगते हैं ना, अच्छा तो रंग बिरंगे ले, मैं थोड़ा फूलों का भी हिसाब हो जाता है कि थोड़े कलरफुल लेना। तो जी हम पहुंच चुके हैं बैजनाथ, और बैजनाथ आते ही हमारे भोले बाबा का मंदिर आपको सामने दिखेगा, तो आपको भी दर्शन कराते हैं और हम भी करते हैं। सिंध सिंध नमक है ना, कितना है, कितने रुपए पैकेट है, दो किलो है, 150 रुपए का, 2 किलो 150 रुपए। तो जी फाइनली हम पहुंचे अपने मामा के घर, और ये है मेरे छोटे मामा का लड़का, क्या नाम है तेरा, आदर्श, आदर्श राणा, कुछ बोलोगे अपने बारे में बताओ, तो खाना पीना हो गया, अभी निकलते हैं यहाँ से। और ये मेरी नानी जी, नानी जी क्या हाल चाल, बढ़िया, क्या बात है, तो सुना अपना, मैं आए बढ़िया बढ़िया, खाना कौन खाई लिया, बढ़िया जाए ना भगवान बढ़िया रखे। हाँ ये मेरी नानी जी हैं, कितने साल की होगी नानी, 95, क्या उम्र हो ये नानी, उम्र 83 ओ तेरी, ये देखी ना वो कौन सी मूवी थी जो, कौन सी मूवी थी, फिर हेरा फेरी, नहीं नहीं जिसमें बंदे का सिर ही नहीं दिखता, वो ये है वो यही करेक्टर था ये है विपुल राणा, क्या माना ना, क्या दस्या नहीं मैं तुम्हें वीडियो बनाई था तो जी चलो फिर चलते हैं अपने घर और फिर कंटिन्यू करते हैं अपना ब्लॉग। नानी जी मेरी अपनी जवानी की फोटो लेके आई है, ये मेरे नानू जी है? और ये मेरी नानी जी देखो पहले ऐसी थी और अभी देखो और अभी ऐसे हो गई है, चलो बढ़िया ले नानी, ले लिया। हाँ ये अपन मम्मी पापा, फाइनली हम नानी के घर से निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं अपने घर। सो देखिए जी दो बच चुके हैं, दो दिन से घूम ही रहे हैं हम, चलो मौका मिल गया अपने घर जाने को, अभी देखो जरा मोड़ कैसा मोड़ है, तो जी देखिए क्या प्यार रास्ता है। सो अभी हम कांगड़ा से मंडी जिले में एंटर करने वाले हैं, ये हमारा फेवरेट प्लेस है, क्या ही जगह है यार, मन कर रहा है यहाँ पे टेंट होता की जो पड़ती ना, जी आ गया। तो जी ये आगे जोगिंदर नगर विभाग, यहाँ से हम पड़ जाते हैं मंडी चालू, वाओ अब उड़ती देखो रहा नजारा, वेलकम टू द जन्नत, चलो फिर चलते हैं घर और मिलते हैं सीधा वहीं पे, चलो। हाँ गुड इवनिंग, सो जी हो चुकी है शाम और आते बहुत प्यारी नींद आई थी और मैं लग गया था सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया सो के, फिलहाल अब जाके रिलैक्स हुआ है, एक दिन से हम पूरा ट्रैवलिंग कर रहे थे और कल भी हमें ट्रैवलिंग करनी है, तो जी ऐसे ही है लाइफ। तो घर आते ही दीक्षा और मम्मी ने पूरी सफाई कर दी है, पूरा गंदा हो गया था, ऊपर देखो आप चिड़िया के घोंसले बना रखे हैं, शिट यार ये पूरा कवर करना पड़ेगा मेरे को लगता है यहाँ से ना, पर फिर भी यहाँ से तो आएंगी आएंगी, चलो अब क्या करें नेचर है, आने देते हैं। तो अंदर भी सफाई चल रही है पूरी की पूरी, हेलो मम्मी, सो अंदर पूरी सफाई हो रही है, इनको करने देते हैं, दे बिजी। तो जी काफ़ी अच्छा लग रहा है फिलहाल, तो अभी चलो फिर, काफ़ी अच्छा लग रहा है, शांत लग रहा है और बहुत प्यारा मौसम है यहाँ पे, ठंड अच्छी है पर ठंड नहीं एकदम, मतलब बैलेंस मौसम है जो हमें चाहिए ह्यूमन बॉडी के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बीजी जो मोर की आवाज़, पंछियों की आवाज़ मेरी सुन रहे हैं आप, कोयल की आवाज़ सुनते होगी, कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे बीजी जो मोर की आवाज़ भी आ रही है, सो बहुत मज़ा आ रहा है। तो जी यहाँ का नज़ारा, वाह वो खड़ी हमारी राम प्यारी,
ऑयल की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और हाँ नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए।